Okay, dear students, so in this series we have already discussed about the story or introduction of Kalidas, and in the previous video we have discussed about the seven famous plays or work written by Kalidas. So today I am going to discuss about the story plot of his very famous play, The Recognition of Shakuntala, Abhigyan Shakuntalam. अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का लिखा हुआ एक महान रचना है, एक नाटक है, जिसको सेवन खंड्स या सेवन एक्ट्स में उन्होंने लिखा था संस्कृत में. बाद में उसको इंग्लिश में और हिंदी और भी कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था. तो अभिज्ञान शकुंतला इज द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड राजकुमारी शकुंतला. शकुंतला जो है वो कर्व ऋषि के आश्रम में रहती थी और लोगों का मानना था कि वो कर्व ऋषि की पुत्री थी, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज कर्व ऋषि जो है वो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का धर्म अपनाया था. सो शकुंतला वॉज द चाइल्ड ऑफ मेनका. मेनका जब स्वर्ग जा रही थी तो वो अपनी बेटी शकुंतला को कर्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर गई थी. सो इट इज अ स्टोरी, अ टोटल प्योर लव स्टोरी ऑफ अ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला. तो राजा दुष्यंत जो है वो ही वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर, एंड जब वो शिकार के लिए निकले अपने कुछ सैनिकों के साथ धनुष वगैरह लेकर, तब वो पहुंचे कर्ण ऋषि के आश्रम के आसपास. वहां पर वो एक हिरण का शिकार करने वाले थे, तब एक किसी सन्यासी ने उनसे कहा कि आप प्लीज इसको मत मारिए, बिकॉज दिस हिरण इज बिलोंग टू कर्ण ऋषि के आश्रम का है, आप उसको मत मारिए. तो राजा दुष्यंत जो है वो उसको छोड़ देते हैं हिरण को और उसका शिकार नहीं करते. तो जो ऋषि रहते हैं वो बहुत खुश होकर और उनको कहते हैं कि आपका जो पुत्र होगा वो पुत्र बहुत पावरफुल रहेगा और उसके अंदर आपकी जितनी भी तेज है या जो भी आपका पावर है या जो भी आपके पास एनर्जी है वो सारा उसमें ट्रांसलेट होगा, एंड ही विल बी द किंग ऑफ आर कंट्री, भारतवर्ष का वो आगे चल के किंग कहलाएगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिए. और उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल जो कर्म ऋषि हैं वो आश्रम में नहीं है, बट फिर भी आप वहां पर जाकर और आश्रम में रेस्ट कर सकते हैं या आप उसको देखने जा सकते हैं. तो जब वो आश्रम पहुंचते हैं, तो आश्रम जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर तीन लड़कियां जो है वो फूल तोड़ रही होती हैं या पौधों की निगरानी कर रही होती हैं. तो वो इसके पहले कि किंग दुष्यंत को देखती शकुंतला, वो छुप जाते हैं. और जब वो देखते हैं तो वो लड़कियों में से तो एक लड़की उनको बहुत पसंद आ जाती है, जिसका जो कि शकुंतला है, जिससे आगे चल के उनका विवाह होता है. तो वो शकुंतला को देख के इतना मोहित हो जाते हैं कि वो मन ही मन उससे शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं. अब वो कुछ टाइम वहीं रहते हैं, बट चूंकि उनको उनके एम्पायर वापस आना होता है और वो अपने एम्पायर जाते हैं, देन वापस आते हैं, बिकॉज वो शकुंतला को मन ही मन अपना लाइफ पार्टनर बनाने का एक कहीं ना कहीं एक डिसीजन वो ले चुके होते हैं. फिर उनकी मुलाकात होती है शकुंतला से, वो बताती हैं जो उनकी दोस्त रहती हैं, दोस्त का नाम रहता है प्रियंवदा एंड अनुसया. तो वो बताती हैं कि ये कर्ण ऋषि की पुत्री हैं, बट जब वो क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी पुत्री कैसे होगी, तो देन वो बताते हैं कि मेनका जब स्वर्ग गई थी तो उन्होंने कर्ण ऋषि को पालने के लिए सिर्फ इनको शकुंतला को दिया था. धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है, बट चूंकि कर्ण ये जो अभिज्ञान है, इनको कुछ रिचुअल्स करने थे अपने राज्य में और उन्होंने उनकी मदर को प्रॉमिस किया था कि वो सारे रिचुअल्स में वो वहां पर रहेंगे. तो वो वहां चले जाते हैं, बट फिर वापस आते हैं. तो कैसे करके वो मैनेज करते हैं, आधा टाइम वो अपने राज्य में स्पेंड करते हैं एंड देन बाकी का यहाँ पर स्पेंड करते हैं. उनकी मुलाकात तो हो ही चुकी थी शकुंतला से. धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे थे कि जो फीलिंग्स शकुंतला के लिए उनके मन में है, ऐसा ही शकुंतला के मन में भी है, बट वो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्रेस करें. लेटरली दे बोथ रियलाइज कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं. शकुंतला भी कहीं ना कहीं अभिज्ञान को दुष्यंत को जो है वो पसंद करती हैं. तो उनकी जो सहेलियां होती हैं प्रियंवदा एंड अनुसया, दे सजेस्टेड हर कि आपको एक पोयम उनके लिए लिखिए, अभिज्ञान इनके लिए, दुष्यंत के लिए. तो जब वो पोयम लिखती है और उस पोयम को पढ़ती है, तो उस टाइम पर अभिज्ञान राजा दुष्यंत जो है, सॉरी बार बार अभिज्ञान निकल रहा है, राजा दुष्यंत जो है वो उसको सुन लेते हैं और वो शकुंतला को गले से लगा लेते हैं. चूंकि दुष्यंत को वापस अपने राज्य जाना होता है, कुछ उनकी ड्यूटी रहती है, तो वो जाने के पहले शकुंतला को एक रिंग देकर जाते हैं, कह सकते हैं एज अ टोकन ऑफ लव, या के ये रिंग मैं आपको दे रहा हूं, और एक तरीके से वो गंधर्व विवाह कर लेते हैं शकुंतला से, राजा दुष्यंत, और वो अपने राज्य चले जाते हैं. राज्य जाने के बाद
कुछ टाइम बाद जब शकुंतला ख्यालों में खोई रहती है इनके राजा दुष्यंत के, उस टाइम पर ऋषि दुर्वासा वहां पर आते हैं और वो खाने के लिए या भिक्षामदेही ऐसा कुछ कहते हैं। बट चूंकि जो शकुंतला है, शकुंतला तो राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती है और वो उनको इग्नोर करती है, मतलब वो उनको पता नहीं होता कि कोई उनको आवाज दे रहा है, वो सुन ही नहीं पाती, वो इतना ख्यालों में खोई रहती है। तो दुर्वासा ऋषि जो है वो इस चीज को अपना इंसल्ट मानते हैं, अपना अपमान मानते हैं, और वो उसको श्राप दे देते हैं कि तू जिस किसी के भी ख्याल में खोई हुई है मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू उसे भूल जाए। तो प्रियंवदा एंड जो अनुसैया जो उनकी बेस्ट फ्रेंड रहती हैं वो बोलती हैं कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो ख्याल में खोई हुई है, आप कृपया उन्हें माफ कर दें, ऐसा श्राप ना दे, ऐसे कर्ड ना दे। बट वो एक बार कर्ड दे दिया, श्राप दे दिया, तो वो वापस तो आता नहीं। तो बट उन्होंने कहा कि जब आप उनके पास जाएंगे, राजा दुष्यंत के पास, और उनकी दी हुई कोई चीज अगर आप उनको दिखाएंगे तो फिर वो आपको पहचान जाएंगे। अब टाइम धीरे धीरे निकल रहा था, जो दुष्यंत है वो एक तरीके से शकुंतला को भूल ही चुके थे, उन्होंने चिट्ठियां लिखना भी बंद कर दिया था, और ना ही कोई उनका दूत आता था, ना ही कोई खबर उनको थी शकुंतला को। तो कहीं ना कहीं ऋषि दुर्वासा का जो श्राप है वो काम कर रहा था। जब कर्ण ऋषि आते हैं और उनको पता चलता है कि ऐसा है, उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया है और जो शकुंतला है वो एक्सपेक्टेड है, प्रेग्नेंट है उनके बच्चे से, राजा दुष्यंत के, तो वो कहते हैं कि बेटी तू अब अपने घर जा। तो कर्ण ऋषि बहुत प्यार से और उसको शकुंतला को विदा करते हैं। तब उनकी सहेलियां भी उनके साथ जाती हैं, एक दूत जाता है और सेवक जाता है और एक आध ऋषि उनके साथ जाते हैं। बट चूंकि वो पानी के रास्ते से जाती हैं तो नौकायान जब वो करती हैं तो वो जलाचमन करते हुए जाती हैं, जलाचमन जलाचमन मीन्स कि वो पानी में हाथ डालते हुए जाती हैं। उस टाइम पर जो रिंग है जो दुष्यंत ने दी हुई होती है, वो रिंग कहीं ना कहीं उसमें पानी में खो जाती है। इसके बारे में शकुंतला या उसके सहेलियों को कोई भी नॉलेज या एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। जब वो महल में पहुंचते हैं तो दूत आकर कहता है, गेट कीपर आके कहता है कि कर्ण ऋषि के आश्रम से एक मुनि आए हैं, एक सेवक है और दो तीन कन्याएं हैं। वो आके शकुंतला उनको याद दिलाती है, बट चूंकि दुष्यंत को तो श्राप लगा था ऋषि दुर्वासा का, तो वो बिल्कुल पहचाने से इनकार कर देते हैं और वो बोलते हैं कि मैं आपकी ही पत्नी हूँ, हमारे गंधर्व विवाह हुआ है और मेरी कोख में आपका बच्चा है। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं कि ऐसे एक पर स्त्री मेरे ऊपर इस तरीके का कैसे वो लगा सकती हैं। तो वो बोलते हैं कि ये देखिए रिंग जो आपने मुझे दी थी, बट रिंग तो उस टाइम पर होती नहीं है। तो शकुंतला वहां पर और झूठी पड़ जाती है। बट चूंकि दुष्यंत एक राजा है और अच्छे राजा वो थे, तो वो ये इस चीज को नोटिस करते हैं कि शी इज अ प्रेग्नेंट लेडी। तो वो कहते हैं कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, बट मैं तुमको एज अ पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। तो शकुंतला को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं इसी वक्त ये धरती समा जाए और मैं उसमें धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तब वहां पर एक बिजली कड़कती है और शकुंतला वहां से जो है गायब हो जाती है। तो मेनका, ऐसा माना जाता है कि मेनका जो उनकी मदर रही है वो शकुंतला को वहां से ले जाती है। टाइम निकलता है, उसके बाद दुष्यंत जो है वो थोड़ा बीमार भी रहने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद, तकरीबन सालों बाद, एक गेट कीपर या जो राज्य में काम करने वाले नागरिक होते हैं वो एक फिशरमैन को लेकर आते हैं, एक मछुआरे को, और उसके पास एक रिंग रहती है। तो जो गेट कीपर्स रहते हैं या जो लेबर्स रहते हैं जो काम करते हैं राज्य में, उनको लगता है कि इसने राजा की अंगूठी चुराई है, क्योंकि ये अंगूठी तो सिर्फ राजा या राजा के परिवार वालों के पास ही हो सकती है। तो जब वो अंगूठी के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि अंगूठी मुझे मछली के पेट से मिली है। तो वो जब दुष्यंत उसको लेते हैं तो अंगूठी लेते हुए उनको फिर सारी चीजें याद आ जाती हैं कि ये अंगूठी तो उन्होंने राजकुमारी शकुंतला को दी थी। तो वो जो श्राप जो उन्होंने दिया था दुर्वासा ऋषि ने कि वो भूल जाएंगे, बट ऐसी कोई चीज देंगे कि जो उन्होंने दी हुई होगी तो उनको सारा याद आ जाएगा। तो उनको याद आ जाता है, वो फिर शकुंतला को ढूंढते हैं। तकरीबन 6 साल बाद जब इंद्रदेव, भगवान इंद्र किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उनको दुष्यंत को कहा जाता है कि आप उनकी हेल्प के लिए चले आइए। जब वो वहां जाते हैं, इंद्र की हेल्प करते हैं, 6 साल बाद जब वो धरती पर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो शेर के साथ खेल रहा है। तो वो रुककर उसे देखते हैं कि इतना प्रतापी या इतना पावरफुल चाइल्ड किसका हो सकता है। तो वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन वो फील करते हैं और वो देखते हैं कि उस चाइल्ड के गले में एक लॉकेट रहता है। तो एक दूसरे वहां पर ऋषि मुनि जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि आप प्लीज उसको मत छूना, अदरवाइज ये जो लॉकेट है ये सांप में कन्वर्ट हो जाएगा, सांप बन जाएगा।
बट फिर भी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए दुष्यंत जो है उसको छूते हैं और वो सांप नहीं बनता। तो ये चीज तभी हो सकती थी जब उस बालक का पिता उस थ्रेड को, उस धागे को छुएगा तो ही वो सांप नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है कि ये ही उसके पिता हैं और ये चाइल्ड जो है वो दुष्यंत का है। उसी टाइम पर शकुंतला भी आ जाती है और दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं और जो गलती हुई हुई होती है दुष्यंत से वो उसके लिए माफी मांगते हैं और अपनी लाइफ जो है फिर वो स्पेंड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ अभिज्ञान शकुंतला एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम किसी नेक्स्ट राइटर और उसकी स्टोरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।